नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव सुविधा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं बैंगन की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये मसालेदार बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कैसे बनाई जाती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने बैंगन लिए 500 ग्राम, जो बिल्कुल छोटे वाले हैं, ये वही सब्ज़ी में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर इनको धो लिया है, अभी इनको बीचों बीच से ऐसे कट लगा लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर इसको कट लगा लेंगे, सारे बैंगन इसी तरह से हमने कट लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये बैंगन मैंने कट कर लिया है। अभी चलिए मैं दूसरा बैंगन भी आपको कट करके दिखाती हूँ। ये सब्ज़ी में आप छोटे बैंगन यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए दूसरा बैंगन भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे, बीचों बीच से ऐसे कट लगा लेंगे, फिर इसी साइड से ऐसे कट लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। देखिए, इस तरह से पहले कट लगा लेंगे। तो चलिए सारे बैंगन को मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे बैंगन कट कर तैयार हो गए। अभी चलिए आगे की तैयारी करते हैं। इसमें यहाँ पर जार लिया, तो उसमें अदरक के टुकड़े 4 से 5 किलो, लहसुन के 3 हरी मिर्च, और यहाँ पर साबुत धनिया लिया मैंने कुछ। अभी इसमें 2 से 3 टमाटर डाल देंगे, अभी 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे इसके अंदर। अभी ढक्कन बंद कर देंगे, और ये देखिए मिक्सी में बहुत ही बारीक से इसको पीस लेना है। अभी कढ़ाई रखते हैं गैस पर, 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें बैंगन डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, नमक आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा सब्ज़ी का। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर से लग जाए। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल यूज किया है। अभी यहाँ पर ढक दिया, बीच में अभी 3 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने चेक कर रही हूँ अभी इसको। तो यहाँ पर इसे पलट देते हैं, ताकि ये नीचे से तो पक चुके हैं, ऊपर से भी अच्छी तरह से पक जाएं। तो इनको थोड़ा सा पलट देते हैं, अभी ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अभी यहाँ पर 4 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए बैंगन बहुत अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और सारे बैंगन हम निकाल लेते हैं। तो चलिए सारे बैंगन हम थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे बैंगन अच्छे से पक चुके हैं। इनकी सब्ज़ी इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है, एकदम मसालेदार बैंगन की सब्ज़ी बनती है, जो बहुत ही पसंद आती है सभी को। तो चलिए सारे बैंगन मैंने निकाले हैं। अभी यहाँ पर कढ़ाई में जो बचा हुआ ऑयल है, उसमें हम 2 बड़ा चम्मच और मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, यानी सरसों का तेल इसमें डाल देंगे। अभी ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें साथ में 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। 2 यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, उनको भी डाल देंगे। कुछ कड़ी पत्ते लिए मैंने सूखे वाले, आपके पास हरे हों तो हरे डाल सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अभी अच्छे से इनको भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्याज लिया मैंने बारीक कटा हुआ, तो उसे भी हम डाल देते हैं। प्याज को यहाँ पर सुनहरा कलर आने तक पका लेंगे। उसके बाद इसमें यहाँ पर जो टमाटर अदरक लहसुन पीसा ना हमने, वो इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर अभी जार में 1/2 गिलास पानी डालकर वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अभी यहाँ पर इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अभी यहाँ पर मसाले को और जो टमाटर हमको अच्छी तरह से पकने देंगे, इसको ढक देते कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। अभी इसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अभी यहाँ पर ग्रेवी हमने अच्छी तरह से तैयार करनी है, तो इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 गिलास मैंने पानी डाला है, अच्छी तरह से इसको ढक देंगे, उसके बाद इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद इसमें जो हमने बैंगन को पहले फ्राई किया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। इस सब्ज़ी में थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर इसमें मसाला लिया मैंने सांभर वाला, आप कोई भी गर्म मसाला इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसे ढक देते हैं कम से कम 9 से 10 मिनट के लिए, इसे पकने देंगे मीडियम आँच पर। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, और ये सब्ज़ी बनकर बहुत ही अच्छी बनी है। इसमें बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है, और बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, कहीं सफ़र में जाना हो तो आप इसे ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर देखिए मैंने सर्व भी कर ली है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।